प्रियंका अग्रवाल, और इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के कुछ और नए क्वेश्चंस की बात करेंगे। डेली के कोर्सेज में आपको मिलेगा करंट अफेयर और इम्पॉर्टेंट नेशनल डेज इंटरनेशनल, इसका कोर्स भी आपको जल्दी मिल जाएगा देखने को। करंट अफेयर का रिव्यू मिल जाएगा, जनरल अवेयरनेस मिल जाएगा। ये 2 सितंबर का मेरा वीडियो है, बट क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लैंड मेरा काम नहीं कर रहा था जिसके कारण वीडियो पूरा एडिट नहीं हो पाया था, तो इसलिए ये थोड़ा सा लेट हो गया है। सो देखिए देखिए, पीडीएफ भी ढंग से कन्वर्ट नहीं हो पाया मेरा। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस इस वेक्टर जनित बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए 25 अप्रैल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस के लिए इस वर्ष का जो वैश्विक विषय था वो है शून्य मलेरिया मेरे साथ शुरू होता है। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डेट और थीम, वो होगी 25 अप्रैल और थीम हो गई शून्य मलेरिया मेरे साथ शुरू होता है इस। ओके, क्वेश्चन रह गया। देखिए, दमदमा झील किस राज्य में स्थित है? तो दमदमा झील कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। दमदमा झील हरियाणा के जिले सोहना में स्थित है। यह हरियाणा की सबसे बड़ी झील में से एक है। 3,000 एकड़ क्षेत्र में है दमदमा झील। इसका निर्माण तब हुआ जब 1947 में वर्षा जल संचयन के लिए अंग्रेजों द्वारा पत्थर और पानी का निर्माण किया गया था। तो दमदमा झील कहाँ है? हरियाणा के सोहना जिले में 3,000 एकड़ क्षेत्र में है। 1947 में अंग्रेजों द्वारा इसकी स्थापना की गई। ओके, क्वेश्चन रह जाता है देखिए बार बार। मोतीबाग स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? ठीक है, मोतीबाग स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो मोतीबाग स्टेडियम गुजरात में स्थित है। मोतीबाग स्टेडियम गुजरात के वडोदरा में स्थित एक क्रिकेट स्टेडियम है, मोतीबाग स्टेडियम, जिसे पहले मोतीबाग पैलेस ग्राउंड के रूप में जाना जाता था। वडोदरा तत्कालीन बड़ौदा क्रिकेट का आधिकारिक घरेलू मैदान है। नाम चेंज हुआ है वडोदरा से, पहले ये बड़ौदा था। क्रिकेट टीम का आधिकारिक घरेलू मैदान है। क्रिकेट स्टेडियम के इतिहास में पहला मील का पत्थर 9 नवंबर 1983 को हुआ था, जब भारत उसी स्थल पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। स्टेडियम वडोदरा शहर के उपकेंद्र में बसा हुआ है। ओके, तो स्टेडियम इम्पोर्टेंट क्या है? वडोदरा। मोतीबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? गुजरात में, गुजरात के वडोदरा में स्थित है। ओके, पहले से किस नाम से जाता था? मोतीबाग पैलेस ग्राउंड के नाम से जाना जाता था। 9 नवंबर 1983 को स्थापित, मतलब पहला जो मैच हुआ था वो 9 नवंबर 1983 को भारत और वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ था। क्वेश्चन रह जाते हैं बार बार। किस शहर में हवाई अड्डे का नाम भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? तो ऐसे तो बहुत सारे हो जाते हैं देखिए, ठीक है ना, पर ये क्योंकि इंदिरा गांधी वो भी हैं ऐसे तो, पर क्योंकि ये क्वेश्चन हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में से लेते हैं, एग्जाम पेपर में आए हुए हैं ये, ठीक है ना, तो इसलिए वहां पे इस तरीके से मेंशन था, 4 ऑप्शन थे, तो उसमें जो सही आंसर था वो था लखनऊ। ये लखनऊ का शहर है जिसका हवाई अड्डा है, हवाई अड्डे का जो नाम है वो है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, जिसका नाम भारत के गणराज्य के 5वें प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। इनका कार्यकाल तो था 1979 से 80 तक था। तो लखनऊ जिनका नाम है, हवाई अड्डे का नाम है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। ओके, किस दिन पूरे भारत में विजय दिवस मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। विजय दिवस 16 दिसंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर अपनी सैन्य जीत का प्रतीक है। विजय दिवस यानी कि विजय लेना भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सैन्य जीत का प्रतीक है। बांग्लादेश भी अपना विजय दिवस मना रहा है। पाकिस्तान सशस्त्र बलों के आत्मसमर्पण ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के अंत और बांग्लादेश निर्माण को चिन्हित किया था। ओके, देखिए, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में है? तो असम में है। ठीक है, असम के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा असम राज्य के गुवाहाटी शहर में है। गोपीनाथ बोरदोलोई आजादी से पहले असम के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नाम पे अड्डा रखा गया है। गोपीनाथ बोरदोलोई आजादी से पहले असम के मुख्यमंत्री थे, बाद में भारतीय राज्य असम के मुख्यमंत्री और एक प्रमुख भारतीय
भारतीय स्वतंत्रता कार्यकारी भी थे। इसके बाद देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर बनाया गया है, तो नर्मदा है। अभी हाल ही में उसे 100 शीर्ष स्थानों में दुनिया भर के टॉप 100 में भी उसे शामिल किया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता कार्यकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि 1875 से 1950 तक रहे, जन्म 1875, मृत्यु 1950, एक विशाल प्रतिमा है इनकी। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे ये। भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। क्या? स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर, यानी कि 557 फीट। वडोदरा शहर से 100 किलोमीटर, यानी कि 62 मील, दक्षिण पूर्व के केवड़िया कॉलोनी में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध पर ये निर्मित है। ये भारतीय मूर्तिकार रामवीर सुतार द्वारा डिजाइन किया गया है। इसका उद्घाटन 1 अक्टूबर 2018 को पटेल के जन्मदिन, यानी कि 143वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। बाद में देखिए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश में पन्ना और छतरपुर जिलों में स्थित है, तो पन्ना जिले से रखा गया है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो भारत का ये एक रिजर्व, टाइगर रिजर्व पार्क है। पन्ना नेशनल पार्क खजुराहो से लगभग 57 किलोमीटर दूर है। एस्टोनिया की मुद्रा क्या है, यूरो है एस्टोनिया की मुद्रा। एस्टोनिया 1 जनवरी 2011 को यूरो को अपनाया था। एस्टोनिया की राजधानी क्या है, तैलिन है एस्टोनिया की राजधानी। एस्टोनिया पहले क्रिसमस ट्री का जन्म स्थान भी है। ठीक है, क्रिसमस ट्री का जन्म स्थान कौन सा हो गया, एस्टोनिया। राजधानी क्या हो गई, तैलिन। और यूरो को कब अपनाया, 1 जनवरी 2011 को। देश में यूरोप के प्रति व्यक्ति स्टार्टअप्स की संख्या भी सबसे ज्यादा है यहाँ पे। देश दुनिया का पहला देश है जिसने फ्लैट कर प्रणाली लागू करी है। इसमें 2 काल के लिए एस्टन की आधिकारिक मुद्रा क्रून थी, 1928-40 और 92-2011 में इसे यूरो को अपनाया गया। फिर देखिए, सोमासीला बांध किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है सोमासीला बांध। आंध्र प्रदेश, सोमासीला बांध आंध्र प्रदेश के पेन्ना नदी पर स्थित है। ठीक है, सोमासीला बांध आंध्र प्रदेश के पेन्ना नदी पर स्थित है। तो ये था हमारा आज का जनरल अवेयरनेस का अपडेट, और ये है मेरा रेफरल कोड, जिसे यूज़ करके आप प्लस कोर्सेज के लिए 10% को ऑफ ले सकते हो। इसके अलावा